धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पिटीशन कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करने का मौका दिया है। और इससे पहले की पूरी रिपोर्ट मैं सदन पटल पर रखूं, मैं थोड़ा सा सदन को बताना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट किस मामले में है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मामला है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है, सीरियस मामला है। इस दौरान जब मॉनसून दिल्ली के अंदर आते हैं, लगभग एक महीने से अखबारों के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि तमाम सिविक एजेंसीज जो हैं, चाहे वो PWD है, चाहे वो MCDs हैं, वो सब इसकी तैयारियों में लगी हुई हैं। और इसकी तैयारियों के लिए जितने विधायक यहाँ पे बैठे हैं, इनके पास भी मुझे लगता है जनता बार बार आ रही होगी कि इस बार जब बरसात हो तो जगह जगह पानी इकट्ठा ना हो। और जो सबसे साधारण चीज होती है कि पानी इकट्ठा ना हो सड़कों पे, उसके लिए ये होता है कि जो नालियां हैं जिनके अंदर बरसाती पानी जाता है, जिनको स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स भी कहते हैं, कि उनकी सफाई हो जाए मानसून से पहले, ताकि उसके अंदर कोई रुकावट ना रहे। अगर बरसात में पानी इकट्ठा हो तो वो सारा जल्द से जल्द उन नालियों के रास्ते बड़े नालों में पहुंच जाए, और उन नालों की भी डिसिल्टिंग हो, उसके अंदर कोई गाद ना हो, ताकि वो सुनिश्चित जगह वो पानी पहुंच पाए। इस विषय के अंदर पिटीशन कमेटी को स्पीकर महोदय की के थ्रू एक पिटीशन मिली, जिसके अंदर कहा गया कि क्योंकि ये हर साल ये घटना होती है और हर साल टीवी पे अखबारों के ऊपर इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है कि इस बार भी दिल्ली के अंदर पानी भरा, इस बार भी लोगों को बहुत परेशानी हुई, ट्रैफिक घंटों रुका रहा, तो इस बार पिटीशन कमेटी ये देखे कि इसके अंदर सरकार क्या नया कर रही है। उसी पिटीशन के साथ कुछ आरटीआई से जो उन्होंने कुछ जानकारियां इकट्ठी की थी सरकार द्वारा, उसके अंदर एक सरकार द्वारा कुछ चिट्ठियां थी, और जो मुख्य है उसके अंदर एक चिट्ठी थी वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक नोट था जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए, एमसीडी डिपार्टमेंट्स के लिए उन्होंने मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। और इसके अंदर दो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि जो सबसे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस चीज का ध्यान दें कि वो अफसर खुद मौके पर जाएं और देखें कि कहां कहां डिसिल्टिंग हो रही है, कहां कहां नहीं हुई है, कहां कहां वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पे वो जल भराव की समस्या हर साल आती है, और वो व्यक्तिगत तौर पे इस चीज को मॉनिटर करें, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो वहां पे जाएं। दूसरी बड़ी बात जो उसके अंदर कही गई थी चिट्ठी के अंदर, ये थी कि आप पब्लिक से क्राउड सोर्सिंग करके वो सारे जगहों के बारे में सूचना इकट्ठी कीजिए, GPS लोकेशन इकट्ठी कीजिए, जहां जहां पिछले सालों में पानी भर जल भराव की समस्या आई थी, ताकि PWD उस समस्या को निमटने के लिए तैयार। ये दोनों चीजें इस चिट्ठी के अंदर आई थी, और PWD के अफसरों को कमेटी ने बुलाया, उनसे बातचीत की, कुछ चीजें तय हुई। तय होने के बाद कमेटी उन अफसरों के साथ जगह जगह सरप्राइज विजिट्स पे गई, मुआयना करने गई, और बाकी चर्चा मैं चाहूंगा कि उस सरप्राइज विजिट के अंदर जो हमने देखा उसके बाद की जाए। मैं आपकी इजाजत लेके सदन के मेंबर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं कमेटी की ओर से। कमेटी के सभी मेंबर्स ने और विधानसभा के बहुत सारे अफसरों ने बहुत मेहनत की है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को बनाने के लिए। सुबह 7 बजे ये कमेटी के मेंबर्स और विधानसभा के अफसर PWD के अधिकारियों के साथ सरप्राइज विजिट्स पर निकल जाते थे। तो मैं चाहूंगा पूरा सदन इस प्रेजेंटेशन को देखे, क्योंकि ये मुद्दा वो मुद्दा है जो सबसे जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि दिल्ली के हर इलाके में, नॉर्थ ईस्ट साउथ, हर इलाके के अंदर सरप्राइज विजिट्स के माध्यम से हमने वहां की ड्रेन्स को देखा, और जो वहां पे हमें यथास्थिति मिली उसकी फोटोग्राफ्स ली, उसके वीडियोस बनाए। तो जो प्रेजेंटेशन चला सकते हैं, मुझे लगता है कंट्रोल रूम से प्रेजेंटेशन चला दें। ये सबसे पहले हम पूर्वी दिल्ली के अंदर गए, और इसके अंदर ये हमने नालों की हालत देखी। आप नेक्स्ट, ये नाला PWD का है, त्रिलोकपुरी चिल्ला गांव के पास। नेक्स्ट, ये भी त्रिलोकपुरी चिल्ला गांव के पास
ईडीएमसी, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है, यह भी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जिस वक्त कमेटी इन ईस्ट दिल्ली के नालों में गई या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नालों में गई, वो करीब 17, 18, 19 तारीख के दरमियान का मामला है, और उससे करीब 20 दिन पहले या मान लीजिए 15 दिन पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तीनों मेयर अलग अलग माध्यमों से अखबारों में ये बात डिक्लेयर कर चुके थे कि उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी नाले साफ करा दिए। मुझे लगता है दो मेयर तो मुख्यमंत्री से खुद व्यक्तिगत तौर पर मिलने आए और उन्होंने उनको बताया कि मुख्यमंत्री जी, हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी नाले साफ कर दिए हैं और एमसीडी के नाले साफ होने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के नाले भरे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये उस समय की हैं जब ये दावा हो चुका था कि उन्होंने पूरे के पूरे नाले साफ कर दिए। नेक्स्ट, ये त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली का है और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है। नेक्स्ट, ये भी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, त्रिलोकपुरी जे कॉलोनी, ये भी पीडब्ल्यूडी का नाला है। पीडब्ल्यूडी के नालों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हमने प्रधान सचिव को कमेटी के सामने बुलाया तो पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव ने कमेटी को बताया कि उनकी टाइम टेबल के हिसाब से जो एक्सटेंड किया गया था, पहले टाइम टेबल कुछ और था, बाद में एक्सटेंड करने के बाद भी उनकी जो सीमा थी वो 15 जून थी कि 15 जून तक वो सभी पीडब्ल्यूडी के नाले साफ कर देंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ज्यादातर वो हैं जो 15 जून के बाद की तस्वीरें हैं। नेक्स्ट, ये अशोक नगर का है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाला है। ये नाले वो हैं जिनको 100% साफ करने का दावा किया गया था, जो रिपोर्ट हमें दी गई थी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि खास बात यह है कि ये रिपोर्ट्स ना सिर्फ कमेटी को गुमराह करने के लिए दी हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर इन्होंने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को भी कहा है कि इन नालों को इन्होंने साफ कर दिया है। तो ये अशोक नगर का नाला है जी जी, और ये खास बात ये रही कि मैं विधायकों का भी सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जहां जहां हमारी कोशिश रही कि लोकल विधायक वहां पे आ जाएं तो विधायकों ने भी इसके अंदर सहयोग दिया है हमारा। नेक्स्ट, ये अशोक नगर का ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ड्रेन है, नाला है। नेक्स्ट, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है। नेक्स्ट, अशोक नगर पीडब्ल्यूडी, ये जो दिख रहा है ये ड्रेन है, बेसिकली ये नाला है जो पूरा भर चुका है। ये गाजीपुर डेयरी मनोज कुमार जी के एरिया में पीडब्ल्यूडी का नाला है। नेक्स्ट, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है जिसकी सफाई की जिम्मेदारी कहा जाता है कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। इसके अंदर काउडंग गाय का गोबर पूरा का पूरा भरा हुआ। ये गाजीपुर पीडब्ल्यूडी का नाला। नेक्स्ट, ये ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गाजीपुर। नेक्स्ट, ये गाजीपुर दोबारा से ईस्ट दिल्ली का नाला है जो आप देख रख सकते हैं दुकान के नीचे, जो पटरी के नीचे है ये नाला है, ये भी नाला है। ये इस वक्त पता ही नहीं चल रहा कि आपको ये नाला है क्योंकि ये ऊपर तक इतना भरा हुआ है कि ये नाले की शेप ही खो चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये भी नाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये जो आप नाला देख रहे हैं ये दिलशाद नगर का है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, दिलशाद गार्डन का, डियर पार्क के पास का ये नाला अगर आप देखें तो पूरा लबाला भरा हुआ है। और हैरानी की बात मैं आपको बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन के बाद कि जब हमने इन सब नालों को अफसरों को दिखाया तो उनका क्या जवाब था, वो भी मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा। नेक्स्ट, ये भी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। नेक्स्ट, 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 ये नाला फिर से ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जी जी। नेक्स्ट, लोनी रोड, ये पीडब्ल्यूडी लक्ष्मी नगर का नाला है।
लक्ष्मीनगर का मेट्रो स्टेशन के पास ये पानी रोड पे भरा हुआ है प्री मानसून शावर के बाद। ये लक्ष्मीनगर का फिर से मेट्रो स्टेशन के पास ऊपर से एक मेन होल हटा हुआ था, उससे हमें पता चला कि नाला डिसिल्ट, जो कहा गया कि डिसिल्ट हो गया, उसकी हालत थी। ये गीता कॉलोनी का डीसी ऑफिस का सामने, मतलब आप ये समझिए डीसी जो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने हाथ में होता है, उनके सामने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाला है। नेक्स्ट, गीता कॉलोनी का नाला है, पीडब्ल्यूडी का नाला है, अशोक विहार नॉर्थ। नेक्स्ट, अशोक विहार पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने पीडब्ल्यूडी का नाला है, ये भी पीडब्ल्यूडी का है। नेक्स्ट, ये दीप मार्केट अशोक विहार थाने के बिल्कुल पास, मुझे लगता है वजीरपुर विधानसभा के अंदर ये नाला है, जिसके अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से मिट्टी भरी हुई थी, और हमने जब अफसरों से पूछा, पीडब्ल्यूडी वाले अफसरों से, तो पता चला ये हर साल डिसिल्ट हो रहा है, मगर जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि 10 साल से उन्होंने कभी नहीं देखा कि कभी ने किसी ने इस नाले को खोल के भी देखा है। जी, नेक्स्ट, ये वजीरपुर विलेज का नाला है, ये भी वजीरपुर विलेज का है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब नॉर्थ, आई थिंक इसमें कुछ नॉर्थ के इलाके ऑलरेडी आ गए थे। नेक्स्ट, जहांगीरपुरी, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है जहांगीरपुरी का, कुशल सिनेमा के पास। ये मुझे लग रहा है बाबू जगजीवन राम अस्पताल के पास पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है। नेक्स्ट, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट, आजादपुर लालबाग, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, जो प्री मानसून शावर के बाद पूरी ऊपर सड़क तक पानी आ गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लालबाग, ये हमारे अखिलेशपति त्रिपाठी जी का इलाका है पीडब्ल्यूडी। लालबाग ये हंस सिनेमा के अपोजिट पीडब्ल्यूडी का नाला है जो आप देख रहे हैं, ये भी पीडब्ल्यूडी का ड्रेन है। छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन, छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन, ये सिल्ट है जो निकाल के अफसरों ने बाहर रख दी है, और ये बारिश आने के बाद दोबारा ये सिल्ट वापस नाले में चली गई। जी, ओखला, ओखला मंडी साउथ दिल्ली, ये पीडब्ल्यूडी का नाला, और यहां पे लगभग हर बार पानी भरता है। नेक्स्ट, ये भी पीडब्ल्यूडी का नाला। नेक्स्ट, ये ओखला मंडी में ही थोड़ा आगे जाएंगे तो श्रीनिवासपुरी डिपो के पास एमसीडी का नाला है। नेक्स्ट, इस नाले के भरने की वजह से वहां के ऊपर जो पूरे के पूरे जेजी क्लस्टर है वो हर बार बरसात के अंदर पूरा बह जाता है पानी के अंदर। नेक्स्ट, ये ग्रेटर कैलाश वन का एमसीडी का नाला है। नेक्स्ट, 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 ये श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम के पास का नाला था जिसमें सिल्ट भरी हुई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का एनडीएमसी का साउथ एक्स में नाला है। नेक्स्ट, ये एम्स के पास पीडब्ल्यूडी का नाला है। नेक्स्ट, ये चिराग दिल्ली का एमसीडी का नाला है जो कागजों के अंदर पूरा साफ था, 100% डिसिल्टेड था ये नाला। नेक्स्ट, जी, ये नाले नाले में भरा हुआ है पूरा कूड़ा। नेक्स्ट, 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 आई थिंक खत्म हो गया। नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। तो आप लोगों ने देखा कि ये सब नाले वो हैं जिनको कागजों के अंदर बताया गया था कि इनकी डिसिल्टिंग लगभग हो चुकी है। तो कमेटी ने जब इसके ऊपर गौर करना शुरू किया तो सबसे पहले कमेटी ने एक मीटिंग की। मीटिंग में फैसला हुआ कि इस साल हाई कोर्ट के अंदर
एक आदेश हुआ था जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अंदर सब अलग अलग महकमों के अधिकारी उसके मेंबर होंगे और उस कमेटी के चेयरमैन पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हाईकोर्ट के आदेश में माननीय उपराज्यपाल ने एक कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी बनाई थी, और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम ही ये था कि सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे एमसीडी के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड के हों, सभी डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करके इस बार ये कोशिश की जाए कि कहीं पे इस बार जलभराव ना हो, नालों की पूरी डीसिल्टिंग समय पे हो और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले कमेटी ने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को ही बुलाया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जब कमेटी के आगे पेश हुए तो कमेटी के उनसे दो ही सवाल थे कि जब मुख्यमंत्री के आदेश हुए हैं आपको कि आप खुद जाके देखें कि नालों की क्या हालत है, वहां पे डिसिल्टिंग हुई है नहीं हुई है, तो इसके अंदर आपको क्या परेशानी है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब यह था कि अगर मैं खुद जाके नालों को देखूंगा फिर तो हर नाला तभी साफ होगा जब मैं जाऊंगा। हमारा जो पूरा का पूरा ऑफिस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हर एक आदमी को पावर है, तो हर आदमी अपना अपना काम करेगा और उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि सारा का सारा काम हो रहा है, तो मुझे स्वयं जाके देखने की जरूरत नहीं। मगर कमेटी ने जब उनसे बातचीत की तो वो माने कि कमेटी के साथ वो जाने के लिए तैयार हैं और वो जगह जगह कमेटी के साथ जाएंगे और खुद देखेंगे कि क्या हाल है। तो कमेटी, पिटिशन कमेटी के मेंबर्स, पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी और जहां जहां एमसीडी का अधिकार क्षेत्र था वहां एमसीडी के अधिकारी वहां पे गए। दूसरा जो सवाल कमेटी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से किया था वो ये था कि जब मुख्यमंत्री के आदेश है और लिखित आदेश है कि आप पब्लिक से खुद ये जानकारी इकट्ठी कीजिए कि कहां कहां पे जलभराव की समस्या है या कहां कहां जलभराव हो रहा है और इस व्हाट्सएप नंबर को आप एडवर्टाइजमेंट करके सब लोगों के बीच में पब्लिसाइज कीजिए ताकि पब्लिक खुद बता सके कि कहां कहां पे समस्या है और पीडब्ल्यूडी और बाकी सारे डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई कर सके, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? तो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब ने हमें बताया कमेटी को कि ऐसा हो सकता है कि हम व्हाट्सएप नंबर दे दें तो लोग इतनी सारी समस्याएं दे दें हमारे को कि हम ओवरबर्डन हो जाएं। तो कमेटी ने उनसे बातचीत की कि ऐसा हो सकता है कि जितनी भी समस्याएं आए उनको आपके अधिकारी फिल्टर कर लें, जहां जहां सीरियस समस्याएं हैं वहां वहां उनके ऊपर आप कार्रवाई करें। तो उन्होंने कमेटी के आगे माना था कि हम एक व्हाट्सएप नंबर को एडवर्टाइज करेंगे, मगर कमेटी ने बाद में पाया कि उन्होंने इस व्हाट्सएप नंबर की कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी। अभी भी अगर आप सड़क पे किसी से पूछें कि क्या आपको मालूम है कि कौन से व्हाट्सएप नंबर पे जल भराव होने पे आपको इन्फॉर्म करना है तो किसी को नहीं पता, क्योंकि कमेटी की नजर में कहीं पे किसी अखबार में किसी रेडियो में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं आया जिसके अंदर व्हाट्सएप नंबर लोगों को बताया गया। फिर कमेटी ने जब खुद जगह जगह जाके देखा तो कमेटी को यह बात पता चली, हम लोगों को यह बात पता चली और मुझे लगता है बहुत हैरानी की बात है कि काम जितने भी पीडब्ल्यूडी के होते हैं या एमसीडी के होते हैं ऐसा नहीं है कि वो होते नहीं, वो कागजों में होते हैं, बाकायदा उनके टेंडर निकाले जाते हैं, बाकायदा उनके वर्क ऑर्डर दिए जाते हैं, बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर कागजों पे उन कामों को करते हैं और उनकी पेमेंट भी की जाती है, मगर ये सारा का सारा काम कागजों पर रहता है, असलियत में ये काम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और कोई शक नहीं होना चाहिए बजाय इसके कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके अंदर खूब सारा पैसा खाया पिया जाता है और लूटा जाता है, एमसीडी के अंदर भी लूटा जाता है और पीडब्ल्यूडी में भी लूटा जाता है। और यह चीज बहुत स्थापित होती है कि यह पूरा का पूरा जो अफसरों का तंत्र है इसके अंदर सच्चाई की जो बात है वो रिपोर्ट नहीं होती। और अगर कोई अफसर यह कहता है कि जो मेरे को रिपोर्ट नीचे से लेकर ऊपर तक आती है वो ही सही तरीका है, तो कमेटी का मानना यह है कि उन अफसरों के ऊपर भी शक पैदा होता है कि वो लोग क्यों कहते हैं कि जो कागजों में रिपोर्ट आई है उसको मान लिया जाए, क्योंकि कागजों में तो झूठी रिपोर्ट आ रही है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर या हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां पे, कि जो सबसे बड़ा अफसर है वो खुद जाके एक बार जरूर सड़क पे जाके देखे
ग्राउंड रियलिटी चेक करे और पता चले उसको कि जो रिपोर्ट उसको कागजों में आ रही है वो पूरी की पूरी झूठी रिपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पैसा खाया जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट हमारी बनी उसके अंदर जब सेक्रेटरी साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से ये सारी की सारी बातें पूछी गई तब उनके जवाब अलग थे, मगर जब रिपोर्ट आने के बाद, ये सारे फोटोग्राफ्स देखने के बाद, कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर एमसीडी के सारे चीफ इंजीनियर्स को बुलाया गया। उन चीफ इंजीनियर्स को अपने अपने इलाके के फोटोग्राफ्स दिखाए गए और ये जब फोटोग्राफ्स लिए गए तब भी एमसीडी के अफसर हमारे साथ मौजूद थे, उनके सामने उनको दिखाकर ये फोटोग्राफ्स लिए गए। तो अफसरों से पूछा गया कि आपको क्या ये नहीं लगता कि जो आपने रिपोर्ट कमेटी को दी है कि ये सारे के सारे नाले साफ हो चुके हैं, डीसिल्ट हो चुके हैं, इनके अंदर तो दबादब पूरा भरा पड़ा है, इनके अंदर तो सिल्ट जमा है, इनके अंदर तो पानी बहने की कोई जगह ही नहीं है। तो अफसरों ने शुरू में माना कि हाँ जी थोड़ा फर्क तो है, मगर जब कमेटी ने उनसे पूछा कि फिर तो ये आप कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि जो स्टेटस रिपोर्ट आप कमेटी को दे रहे हैं वही स्टेटस रिपोर्ट आपने एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली को दी है, आपने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि ये सारे के सारे नाले साफ हो चुके हैं, जो नाले पूरे के पूरे सिल्ट से भरे हुए। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों ने आपके नीचे गड़बड़ी की है और आपको कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? जब उनसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कमेटी ने पूछी तो उन्होंने अपना पुराना स्टेटमेंट सारे चीफ इंजीनियर से फिर से बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं लगती कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। फिर कमेटी ने उनसे पूछा और कैटेगोरिकली पूछा, जब आप कह रहे हैं कि आपको अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती, तो क्या आप इस सारे काम से सेटिस्फाइड हैं? कमेटी ने एक एक एमसीडी के चीफ इंजीनियर से अलग अलग पूछा, क्या आप अपने इस काम से सेटिस्फाइड हैं जो काम हमने आपको फोटोग्राफ में दिखाया? एक एक चीफ इंजीनियर ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार कहां तक फैला हुआ है। अगर एक जूनियर इंजीनियर पैसा खा जाए और एक्सीएन को दिखाया जाए और एक्सीएन उसके ऊपर कार्रवाई करे, तो इसका मतलब यह कि एक्सीएन को पता नहीं था, उसने कार्रवाई के आदेश दिए। अगर एक एक्सीएन पैसा खा जाए और चीफ इंजीनियर को दिखाओ तो चीफ इंजीनियर बोलेगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर यहां पे आप खुल्लम खुल्ला पूरी की पूरी ये जो लूट है उनके सामने आपने उनको दिखाई और उसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड वो लोग कह रहे हैं कि हम इस पूरे के पूरे काम से सेटिस्फाइड हैं। इसका मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जो वो लूट हो रही है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब में बढ़ती है, इसलिए कोई भी इसके अंदर कार्रवाई करने की ना तो जरूरत समझता है ना उसकी कोई मंशा है। और ये जो काम है ये हर साल ऐसे ही चल रहा है। हर साल बरसात से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि नालों की सफाई हो गई जी, टेंडर हो रहे हैं, पेमेंट हो गई, फिर बरसात आती है, बरसात के बाद पानी भरता है, पानी भरने के बाद टीवी के अंदर थोड़े दिनों बहस होती है, एमसीडी वाले पीडब्ल्यूडी के ऊपर दोष डालते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले एमसीडी वाले के ऊपर दोष डालते हैं। हमारे बीच में सिर्फ यही लड़ाई होती है कि मैं अपना दोष दूसरे पर डाल दूं, और ये दोष कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोष डालने वाली चीज होती भी है। मगर कमेटी के मेंबर जहां जहां पर गए वहां पर दोष देने का तो सवाल ही नहीं होता, वहां तो हम उन नालों की बात कर रहे हैं जो उनके अंडर है और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी डीसिल्टिंग कर दी, उसकी पेमेंट कर दी, उसका ठेका निकाल के कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लिया। यहां तो वो बात है, यहां पे तो दोष मढ़ने की बात ही नहीं है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ आपके ज्यूरिसडिक्शन की बात है कि जिसके अंदर आपने आधिकारिक रूप से काम कराया और आपने कहा वो काम हो गया, मगर जब हम लोग वहां पर गए तो वहां पे वो काम हमें नहीं मिला। अब इसके अंदर जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो हाउस है, हम सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुन के भेजा है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। मगर जो पूरे के पूरे जो अफसर हैं, मुझे लगता है कुछ अफसर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और कर रहे होंगे, मगर जो कुछ हमें देखने को मिला
उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अफसरों की जवाबदेही जनता के प्रति बिल्कुल नहीं है, और इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी लेवल पे कोई मंशा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि इस चीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप इस बार भी इसके ऊपर मट्टी डाल दें, अगले साल फिर से टेंडर दे दें, फिर से खूब पैसा खाया जाए, फिर से अखबारों में चले कि पानी भर गया और फिर अगले साल आ जाए। तो कमेटी ने यह देखा कि इस तरीके के काम के लिए जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछा गया और उनसे कागज मंगवाए गए, तो हम लोगों ने पाया कि कहीं पर भी सरकार के अंदर एलजी के लेवल पर, चीफ मिनिस्टर के लेवल पर या मंत्री के लेवल पर, कहीं पर भी पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथ नहीं बांधे गए, कहीं पर भी उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया कि आप ये काम मत कीजिएगा, ये काम कीजिएगा। उनको खुला हाथ दिया गया और क्लियर डायरेक्शंस दी गई कि आप इस चीज को इंश्योर करेंगे कि दिल्ली के अंदर इस बार जलभराव नहीं हो, सब नालों की डिसिल्टिंग हो। यहां तक कि उनके हाथ मजबूत दिल्ली हाईकोर्ट ने और ज्यादा कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां तक कर दिया कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी की पूरी दिल्ली के महकमों की बनाई गई, उसका चेयरमैन भी पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बना दिया गया कि अब आपके पास पूरे अधिकार हैं, आप सभी डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन हैं, बरसात और नाली के रख रखाव के मामलों के अंदर आप खुद इस चीज को अपने हाथ में लें और ये काम इंश्योर करें कि इस बार दिल्ली के अंदर पानी ना भरे। तो ऐसे क्या कारण हुए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई कि इस तरीके का जलभराव से बचने के लिए नालों की सफाई नहीं हो रही? इसके आगे कमेटी ये कहती है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट श्री अश्विनी कुमार द पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैज बीन इन द लीडरशिप रोल फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इन द पीडब्ल्यूडी एंड द ऑनरेबल हाईकोर्ट हैज फर्दर एम्पावर्ड हिम by making him the chairman of the coordination committee, thereby making the concerned wings of MCDs also answerable to him. There is not a single recorded instance where his authority as a head of the department or as the chairman of the coordination committee was challenged. Yet, for inexplicable reasons, we are in a sad situation where the department and the committee functioning under his sole authority have miserably failed the people of Delhi. After being bestowed with such unfettered functional freedom and the authority, doesn't buck stop him for this monumental failure? To be fair to Mr. Ashwini Kumar, while agreeing before the committee, both in the meetings and during the field visits, that the works executed were far from satisfactory, he did not try to shift the blame on others. तो इस सब चीजों को देखने के बाद और विचार विमर्श करने के बाद कमेटी की ये सभी रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं। द चीफ सेक्रेटरी शुड एंश्योर दैट द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इश्यूड टू द चीफ सेक्रेटरी इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली वाइल ऑफिशियल नोट डेटेड 26/5/2017 आर होल्ली इंप्लीमेंटेड विदाउट एनी फर्दर डिले। चीफ सेक्रेटरी शुड कंडक्ट अ डिटेल्ड इंक्वायरी personally to fix the responsibility of false claims made by the department and fraudulent payments made to the contractors who have done the desilting work only on papers. Chief Secretary should take steps to put in place the modern and dynamic system to replace the current obsolete mechanism for desilting and other related activities. The new system should be flexible enough to co-opt latest technologies available. The Chief Secretary should put in place a foolproof system, a mechanism to verify each and every contract is awarded and executed for desilting and cleaning of the drains. Chautha, Chief Secretary should evolve a mechanism whereby local stakeholders formally become the party for the verification of claims made by the contractors. ये बहुत जरूरी है कि मुख्य सचिव इस तरीके का मैकेनिज्म बनाए
कि जो आसपास के लोकल लोग हैं रहने वाले, जो आस पड़ोस में रहते हैं, उनसे किसी तरीके का वेरिफिकेशन हो जाए कि उन नालों को साफ किया भी गया है नहीं किया गया। पांचवा, द चीफ सेक्रेटरी शुड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द केस ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट्स क्लेमिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क्स विच हैव बीन सबमिटेड टू द कमिटी एंड हैव बीन सबमिटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। छठा, और ये बहुत गंभीर है, छठा जो है, सिंस द डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस एंड द पीडब्ल्यूडी आर बोथ हेडेड बाय द सेम ऑफिसर, द चीफ सेक्रेटरी शुड नॉट अलाउ हिम टू इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ एंड हिज ओन डिपार्टमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर प्ले, द इंक्वायरी शुड बी कमिटेड कंडक्टेड बाय द चीफ सेक्रेटरी पर्सनली आफ्टर डाइवेस्टिंग मिस्टर अश्विनी कुमार of the charges of both PWD and the Department of Vigilance till the conclusion of inquiry। जब कमेटी ने MCD के सारे हालात देखे और ये देखा कि खुल्लम खुल्ला चीफ इंजीनियर से कह रहे हैं कि ये जो नाले भरे हुए हैं ये उन्होंने एक दो दिन पहले ही साफ किए, दोबारा भर गए और वो इन नालों की सफाई से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, तो अश्विनी कुमार जी से पूछा गया कि क्या इन लोगों के ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। मगर कमेटी ये भी चाहती थी कि पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई हो, मगर कमेटी आदेश देने से इसलिए रुक गई क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये पूरा का पूरा काम हुआ, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये पूरी गड़बड़ी हुई, वो डिपार्टमेंट अश्विनी कुमार जी के अंडर आता है और जिस डिपार्टमेंट को इस पूरी की पूरी गड़बड़ी की जांच करनी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट भी अश्विनी कुमार जी के ही अंडर आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी खुद की और अपने डिपार्टमेंट की ही जांच कर ले, और यह भी नहीं हो सकता कि वो आदमी जब उस डिपार्टमेंट का हेड हो तो उसके डिपार्टमेंट की एक निष्पक्ष जांच कराई जा सके। तो कमेटी का ये रिकमेंडेशन है चीफ सेक्रेटरी को कि जब तक ये इंक्वायरी चलती है तब तक उनको इन डिपार्टमेंट से अलग कर देना चाहिए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये है, द चीफ सेक्रेटरी शुड सबमिट द एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द हाउस थ्रू ऑनरेबल स्पीकर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द कमेटी विद इन अ मंथ ऑफ द अडॉप्शन ऑफ दिस रिपोर्ट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो मुख्य सचिव है एक महीने के अंदर अंदर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट इस हाउस के सामने अध्यक्ष महोदय के जरिए पेश करें। धन्यवाद। महोदय की मैं आपकी इजाजत लेके कमेटी की इस रिपोर्ट को पूरे हाउस के आगे टेबल करना चाहता हूं। चर्चा संभव है? ये आपने बहुत अच्छी, मैं बता दूं कि कमेटी के अंदर ये सब लोग थे जिनका कमेटी और इस हाउस को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा का सारा काम किया। अमानतुल्ला खान, अखिलेश पति त्रिपाठी, दिनेश मोहनिया, सहीराम, श्री नरेश यादव, श्री राजेश गुप्ता, श्री संजीव झा और श्री कमांडो सुरेंद्र सिंह, और इसके साथ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी के स्टाफ के भी बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ इस कमेटी के अंदर रहे। इसके अंदर जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ था उसके अंदर प्रसन्न कुमार जी, मंजीत सिंह जी, वेलु मुर्गन जी, राणा जी, ये सभी लोग कमेटी के साथ सुबह सुबह उठ के भी इनमें से कई सारे लोग गए और इन्होंने पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया। याचिका समिति की जो आज रिपोर्ट सदन पटल पर प्रस्तुत हुई है, सदन उस पर सोमवार को 3 जुलाई को चर्चा करेगा। अब सदन की कार्यवाही 3 जुलाई 2017 को दोपहर 2 बजे तक स्थगित की जाती है।